Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. I am Mekhla Acharya and again I am here with another session of the chapter Tissue. पिछले सेशन में हमने टिश्यू चैप्टर कवर कर लिया था और इस सेशन में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑन पेज नंबर 69 दैट व्हाट इज ए टिश्यू. सो बहुत सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं टिश्यू क्या है. व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. इसको ही तो टिश्यू बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई एक फंक्शन परफॉर्म करें उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आइए देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सॉरी लेट मी रीड इट. What is the utility of tissues in multicellular organism? तो क्या करते हैं टिश्यू की यूटिलिटी क्या, मतलब वो पूछ रहा है टिश्यू क्या करता है. तो टिश्यू प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ बॉडी को, किसी भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो भी स्ट्रेंथ मिलती है, जो भी मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिकॉज ऑफ टिश्यू. तो हम ये लिख सकते हैं कि टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर टू द मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर यू नीड टू चेंज द पेज दैट इज ऑन पेज नंबर 74. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू कौन से थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू थे. सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने पढ़ा था कौन कौन से थे? पेरेन्काइमा, राइट, आपने पढ़ा था ना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ये तीनों हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट, ये आपने पढ़ा था. इसके बाद क्वेश्चन सेम पेज पे एक और क्वेश्चन है वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड. एपिकल मेरिस्टम कहाँ होती है? जैसे आपके बुक में जो बना है फिगर उसके अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टम होती है टिप पे, टिप ऑफ स्टेम एंड टिप ऑफ रूट पे प्रेजेंट होती है आपकी एपिकल मेरिस्टम. सो आप लिख सकते हो कि एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टेम एंड टिप ऑफ रूट. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ अ कोकोनट. बहुत सिंपल है, आप ये चीज पढ़ चुके हो कि कोकोनट की जो हस्क होती है वो बनी होती है डेड सेल्स से और वो काफ़ी हार्ड होती है. तो वो किससे बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा से. हमने ये चीज़ पढ़ी थी जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे कि स्क्लेरेन्काइमा ही बनाता है हस्क ऑफ कोकोनट. सीड का जो कोट होता है वो सब किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से. तो आप उस पर आंसर लिखोगे स्क्लेरेन्काइमा. उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम. तो फ्लोएम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फ्लोएम बना होता है चार कॉन्स्टिट्यूएंट से. पहला कॉन्स्टिट्यूएंट था सीव ट्यूब्स, राइट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो परफोरेटेड होता था. नेक्स्ट है हमारा कंपेनियन सेल. हमने ये पढ़ा था कि कंपेनियन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीव ट्यूब के नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं. फिर हमने पढ़ा था फ्लोएम फाइबर्स के बारे में, राइट, कि फ्लोएम फाइबर्स ये जूट वगैरह में जो प्रेजेंट होता है वो फ्लोएम फाइबर्स होता है. एंड क्या होता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा. ये चार चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि ये फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, राइट. आइए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे. पूछ रहा है नेम द टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी. सो हमने पढ़ा था दो टाइप के टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में मूवमेंट के लिए. पहला तो मस्कुलर टिश्यू था, राइट, पहला कौन सा था? मस्कुलर टिश्यू था. मस्कुलर टिश्यू में हमने पढ़ा था ना स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड और कार्डियक टिश्यू. तीनों कौन से थे? तीनों थे आपके मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू. ये दोनों जो हैं हेल्प करते हैं मूवमेंट में. नर्वस टिश्यू कैसे करता है ये भी मैंने आपको बताया. नर्वस टिश्यू जो है
नर्व इम्पल्सेस को कैरी करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है और ये चीज़ ब्रेन ऑर्डर करता है मूवमेंट के लिए। तो जो दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी वो है एक आपका मस्कुलर टिश्यू और दूसरा है नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाट डस अ न्यूरॉन लुक लाइक। आपने न्यूरॉन का फिगर देखा था लाइक राइट, आपने डायग्राम देखा था। आइए देखिए आपके स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा है, आप देख सकते। तो देखिए आपके स्क्रीन पर न्यूरॉन की इमेज आ रही है। न्यूरॉन का जैसे एक हेड है और एक टेल है जिसपे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये आप देख सकते हो। तो जब आप अपना आंसर लिखिएगा अपनी कॉपी में तो आप न्यूरॉन का डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। अगर आप डायग्राम बनाते हो इवन यू इन योर कॉपी एग्जाम कॉपी तो आपको स्कोर्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव थ्री फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स के थ्री फीचर्स कौन कौन से हैं। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है जिसकी वजह से हार्ट बीट आती है, मतलब धक धक सुनाई देता है ना, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वो ब्लड को प्योर करने में हेल्प करता है, आगे पुश करने में हेल्प करता है ब्लड को। तो ये आप फीचर्स में लिख सकते हो। कार्डियक मसल्स हार्ट मसल्स को बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और ब्लड को आगे पुश करते हैं। और थर्ड फीचर है इसका कि ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि इनमें जो मूवमेंट होगा उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द जंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। एरोलर टिश्यू पाए जाते हैं बिलो द एपिथेलियल टिश्यू, बिटवीन द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसी में एरोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि एरोलर टिश्यूज आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्गन्स, इन द ब्लड वेसल्स एंड बिलो द एपिथेलियल टिश्यू और द स्किन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस, जहाँ पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं टिश्यू। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम टिश्यू कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम द। फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा, जाइलम को कौन कौन से बनाते हैं। जाइलम को बनाते हैं ट्रैकियाइट्स पहला। जाइलम को बनाने वाले चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपका, कौन कौन सा है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकियाइट्स एंड वेजल्स। ये हैं आपके फोर कंपोनेंट्स, मैं लिख दे रही हूँ। एक है वेजल्स, ट्रैकियाइट्स, ट्रैकियाइट्स भी बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। ये चार कंपोनेंट्स हैं आपके जो जाइलम टिश्यू बनाते हैं, आपको इन्हीं चार का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर थ्री पूछ रहा है हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। पूछ रहा है कि सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे डिफरेंट होते हैं। आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, उनका डिफरेंस देखना है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से थे, पेरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और कोलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे हमारे जाइलम और फ्लोएम। सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है कि जो सिंपल होते हैं वो होते हैं डेड सेल्स, और ये पर्टिकुलर रीजंस में पाए जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें कुछ लिविंग सेल्स भी होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट उससे बनते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ये भी फीचर है, ये सेम होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं वो सेम सेल्स होते हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है इसके जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंट सेल्स होते हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ये है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम हेल्प करता है आपके ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट में, लेकिन
आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू किसी भी चीज़ में ऐसी हेल्प नहीं करता है, वो पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसको क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं, जो फूड मेकिंग में हेल्प करता है, लेकिन उसका आगे ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की सेल वॉल्स में डिफरेंस बताना है। पेरेन्काइमा की सेल वॉल थिन होती है, कोलेन्काइमा की थोड़ी थिक होती है, और जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है उसकी सेल वॉल डेड होती है, इसलिए वो प्लांट्स के सीड कोट पे प्रेजेंट होता है और उन्हें हार्ड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे करना है, हम लोग और पॉइंट्स भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सेल की शेप देखते हैं। जो पेरेन्काइमा होता है वो आइसोडायमेट्रिक सेल होता है, इसका मतलब है कि इनका जो डायमीटर होगा वो कंप्लीट सेम होगा, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। इलोंगेटेड सेल मतलब ये कैसे होते हैं, जैसे लगता है सेल में कोई खिंचाव हो, खिंचे हुए लगते हैं। एंड जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं वो लॉन्ग एंड नैरो सेल होते हैं, मतलब लंबे होते हैं और काफ़ी पतले होते हैं। पेरेन्काइमा की सेल वॉल थिन होती है, कोलेन्काइमा की थिक होती है, और स्क्लेरेन्काइमा की पूरे पोर्शन में जितनी जगह सेल वॉल प्रेजेंट है वो इक्वली थिक होता है। पेरेन्काइमा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और स्क्लेरेन्काइमा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, ये बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। आपके कोलेन्काइमा के सेल्स के बीच में स्पेस कम होता है, कई कई बार नहीं भी प्रेजेंट होता है, और जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इसी वजह से वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, वो इतनी हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, आप सेल्स में भी ये चीज़ पढ़े हो कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है प्लांट्स लीफ पे। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है और वो अलाउ करता है थ्रू ऑस्मोसिस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होना। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है एट नाइट तो वो ओपन होगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा और CO2 रिलीज कर देगा, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अगर उसको CO2 की रिक्वायरमेंट है तो स्टोमेटा ओपन होगा, CO2 गेन करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, डायग्रामेट्रिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। 3 मसल फाइबर्स होते हैं, स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड और कार्डिया, राइट। उनको डायग्रामेटिकली आपको डिफरेंस देखना है। आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आ रहे होंगे, आप देख सकते हो कि उनमें कैसा डिफरेंस है, कि कोई फाइबरस है, किसी की सेल वॉल थिक है, किसी की थिन है। सो ये तीनों में डिफरेंस होता है। सेकंड, स्टीरिएटेड और अनस्टीरिएटेड मसल्स जो होती हैं वो कैसी होती है। एक आपकी जो स्टीरिएटेड है वो वॉलेंट्री है, बाकी दोनों इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप ये देख सकते हो, तो आपको बस डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में और ये दिखाना है कि वो कैसे डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। इससे वो क्या करता है, वो ब्लड को आगे पंप करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट हमें सुनाई देती हैं, लब डब लब डब, जो ये हार्ट में होता है ये बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल होता है। तो स्पेसिफिक उसका पर्टिकुलर फंक्शन ये है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन एंड पंपिंग द ब्लड। तो आप लिख सकते हो पंपिंग द ब्लड थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Differentiate between stereotated, unstereotated and cardiac muscles on the basis of their structure, site and location in the body. Differentiate करना है stereotated, unstereotated और cardiac muscles में। तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज एक एक डिफरेंस देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस होता है। Stereotated, unstereotated और cardiac muscles में डिफरेंस,
तो पहला इनका डिफरेंस क्या था, कैसा होता है, इनके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, इनके एलोंगेटेड होते हैं। लॉन्ग और एलोंगेटेड में फ़र्क होता है। लॉन्ग का मतलब लंबा, लेकिन एलोंगेटेड मतलब जैसे किसी चीज़ में स्ट्रेस डाल के उसको खींचा गया हो। एंड स्पिंडल शेप्ड, शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल सेल, कार्डियक सेल आपके शॉर्ट होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। नेक्स्ट है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन बाकी दोनों सेल्स आपके यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्टीरिएटेड वॉलेंट्री होते हैं, हम अपनी चॉइस से इनको मूव कर सकते हैं, लेकिन अनस्टीरिएटेड मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, हम इनको अपनी चॉइस से मूव नहीं कर सकते। फिर है, ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेयर पे लेयर रखी हो। और कार्डियक मसल्स में जो टिश्यू प्रेजेंट होती है वो होती है नेटवर्क फॉर्म में। सो ये था डिफरेंस बिटवीन स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड और कार्डियक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। आपको कई बार न्यूरॉन का मैंने पिक्चर दिखा दिया है आपकी बुक में भी, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक और आप न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कलरफुल करना चाहो कलरफुल, और अगर नहीं ऐसे, बट यस, आप नेम लिखते वक्त ध्यान रखना कि नेम टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जॉन लिख रहे हो, अगर आपकी एरो टेढ़ी जा रही है इट्स ओके, लेकिन एग्जॉन आपको स्ट्रेट लिखना है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए बेटा, ये मार्क्स कट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फॉलोइंग। ओके, एक एक टिश्यू को नेम करना है कि कौन सा टिश्यू जो जहाँ प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। पहला है कि माउथ की इनर लाइनिंग में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो हमने पढ़ा था इपिथीलियल टिश्यू में एक टिश्यू जो था स्क्वामस इपिथीलियल टिश्यू। तो माउथ के इनर लाइनिंग में, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में प्रेजेंट कौन सा सेल होता है, टिश्यू होता है, स्क्वामस इपिथीलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्क्वामस इपिथीलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। आप यहाँ लिख सकते हो स्क्वामस इपिथीलियल टिश्यू। नेक्स्ट है, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस। मसल से बोन में, मसल से बोन्स में कनेक्ट करते थे टेंडेंस। मैंने आपको बताया था यही डिफरेंस था बिटवीन टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। टेंडेंस मसल से बोन को कनेक्ट करते थे और बोन जो लिगामेंट थे वो बोन टू बोन कनेक्ट करते थे। नेक्स्ट है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम करता है। अगर वाटर आ जाता तो आप क्या लिखते, जाइलम लिखते। फिर है, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि स्टोर हाउस ऑफ फैट होता है आपका, स्टोर हाउस ऑफ फैट होता है आपका एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू स्टोर करता है फैट को, तो आप यहाँ पे आंसर में लिखोगे एरोलर टिश्यू। नेक्स्ट है, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स कौन सा, हमारी बॉडी में ब्लड है और वो कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, अभी पढ़ा हमने नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। कुछ चीज़ें दे रखी हैं जिसमें आपको लिखना है कि उसमें कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है स्किन, बार्क ऑफ ट्री, इन सारी चीज़ों में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, पहला है आपका स्किन। स्किन में प्रेजेंट होता है स्टीरिएटेड स्क्वामस, स्टीरिएटेड स्क्वामस टिश्यू। ओके, यहाँ प्रेजेंट होता है आपका स्टीरिएटेड स्क्वामस टिश्यू। नेक्स्ट है कॉर्क। कॉर्क में प्रेजेंट होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, सॉरी कॉर्क नहीं है, बार्क ऑफ ट्री है। बार्क ऑफ ट्री में प्रेजेंट होता है कॉर्क या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू। बार्क ऑफ ट्री में प्रेजेंट होता है कॉर्क या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है बोन लाइनिंग ऑफ किडनी।
बोन में प्रेजेंट है। बोन क्या है? बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो बोन में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि बोन में आपका प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। बोन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, राइट। फिर नेक्स्ट है, पूछ रहा है लाइनिंग ऑफ किडनी। लाइनिंग ऑफ किडनी में हम पढ़ रहे थे जब क्यूबॉइडल टिश्यू, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि वो किडनी की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर होगा क्यूबॉइडल टिश्यू। यहाँ पे क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्योंकि वैस्कुलर बंडल में कनेक्शन होता है, वो कनेक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर प्लांट ऑफ प्लांट। नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं पिथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, मतलब प्लांट्स की रूट और स्टेम की पिथ में, स्टेम की पिथ जो होती है वहां पे प्रेजेंट होता है पेरेन्काइमा। जब इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो पेरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं इन पिथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में एपिडर्मिस का रोल क्या होता है? प्लांट्स में एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम एनी इंजरी, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी इंजरी, कोई भी इंजरी, किसी भी इशू से, डिसीज से एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क कैसे एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? तो जो कॉर्क की सेल्स होती हैं, जो कॉर्क की सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं पहली चीज़, और इनमें कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। इसकी वजह से ये जो है प्रोटेक्ट कर पाती है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लास्ट है कंप्लीट द टेबल। आपकी टेबल कंप्लीट करनी है जिसमें परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट्स दे रखे हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल के थ्री क्लियर हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स का जाइलम एंड फ्लोएम। सो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में, किसी भी क्वेश्चन में जहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिवर्ट बैक करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।